वॉटर मे बी द लास्ट थिंग जो माइंड में आती है जब डेजर्ट्स के बारे में सोचते हैं हमने कभी ना कभी तो ऐसी फोटोग्राफ्स जरूर देखी होंगी जहां डेजर्ट और सी यानी समुद्र और रेत आपस में चढ़ रहे हो और ये सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी है जहां रेगिस्तान से होता है सागर का मिलन क्या आपको ऐसी जगह की जानकारी है

है और डेजर्ट का नाम भी

इस प्रकार ये दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान हुआ इस रेगिस्तान में गर्मियों का तापमान तो अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात का टेम्परेचर जीरो से भी नीचे हो जाता है चलिए अब आते हैं हमारे फैक्ट नंबर पर जाहिर है नामीब रेगिस्तान इंसानों के रहने के लिए नहीं है उसकी तपती गर्मी की वजह से ऑस्ट्रोचे एंटोलोब्स रोडंस और बर्ड्स जैसे कई जीवित प्राणी इस रेगिस्तान को अडाप्ट करने में कामयाब रहे हैं

रहने वाले रेप्टाइल्स और मैमल्स डेवलप्ड सर्वाइवल लिव विद लेस वॉटर चल चलिए आते हैं हमारे फैक्ट नंबर फोर पे अब नमी डेजर्ट पे ना चारों दिशाओं से हवा आती है जिससे रेत के टीले बन जाते हैं जिसे स्टार ड्यून कहा जाता है इनकी आकृति सितारों जैसी बन जाती है इन रेत के टीलों की ऊंचाई 200 मीटर से मीटर से लेकर 400 तक है कहीं कहीं तो टीलों का रंग हल्का ऑरेंज है जबकि समुद्र के पास ये सफेद रंग के दिखाई देते हैं और अब आते हैं हमारे आखिरी फैक्ट फैक्ट नंबर फाइव पे क्या ऐसे और भी जगह है जहां समुद्र और रेगिस्तान मिल जाते हो पहला डेजर्ट जो मिलता है पैसिफिक ओशन से इन एंटोफागास्टा रीजन ऑफ नॉर्दर्न चिले दूसरा सहारा डेजर्ट जो मिलता है रेड सी से और ओशन से भी ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो इंडियन ओशन से जाके मिलता है इतना ही नहीं सिंध डेजर्ट जो इंडियन ओशन से जाके मिलता है ये थे हमारे लिस्ट के कुछ ऐसे डेज़र्ट्स जो समुद्र से जाके अपना मिलन पूरा करते हैं बाकी अगर आपको भी कुछ ऐसी जगह के बारे में पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए ये थे पांच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नमीब डेजर्ट आज के लिए इतना ही मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट